तो हेलो दोस्तों, दिस योर फ्रेंड गौरव एंड यू आर हियर ऑन वॉन्डरिंग निंजा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ डल लेक के ठीक सामने, यानी कि श्रीनगर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जस्ट पीछे यहाँ पर ये डल लेक है, और ये हम कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम पता करेंगे कि हाउस बोट का क्या रेंट है, क्या है। और हाउस बोट के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, जिसमें कोना जिसमें सामने का जो एरिया है ना, वहाँ पे सारे हाउस बोट्स रुकाए हुए हैं। और इस वाले साइड से ना ये शिकारा 100 रुपये में आपको वहाँ लेके जाएगा और वापस लेके आएगा, और वहाँ पर आप बात करेंगे इसके बारे में। ये सामने नीचे देखो शिकारा है, और वो सामने में वो है हाउस बोट्स पूरे। और ऊपर दिखाऊं, वो है ऊपर वहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल। लेक के साथ बाउंडेड ये काफ़ी वाइड रोड है, जिसके दूसरी साइड में बहुत सारे पार्किंग स्पॉट्स, मार्केट, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और हाँ, जो श्रीनगर में कुछ फेमस गार्डन्स हैं वो भी हैं यहाँ पर, जैसे कि शालीमार गार्डन, निशांत गार्डन। ये सब गार्डन जो हैं वो लेक के ठीक सामने में ही हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर। उसके साथ ही यहाँ पर आकर के मुझे एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पर लेक के बहुत पास में एक इंदिरा गांधी गार्डन भी है और एक जवाहरलाल नेहरू बोटैनिकल गार्डन भी है। और ये सभी गार्डन काफ़ी फेमस स्पॉट्स हैं श्रीनगर में, डल लेक, शंकराचार्य टेम्पल और ये सब जगह हैं उनके अलावा। ओके, सो वी जस्ट हैड सम फूड एट ए रेस्टोरेंट हियर एंड द क्वालिटी वॉज नॉट दैट गुड, इनफैक्ट इट वॉज वेरी बैड एक्चुअली। बट क्या कर सकते थे, कुछ पता नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लाल चौक मार्केट, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो लेट्स सी, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है, कैसा है मार्केट, एंड आई विल अपडेट यू देयर। सो ऑल दीज आर दी बोट हाउस, और आई शुड कॉल बोट होटेल्स। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा है यहाँ पर, फील हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा टाइम जाएगा घूमने में, और उसके बाद हमें बोट हाउस भी देखना है। आज का प्लान है कि बोट हाउस में रुकेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सीन है वो ऐसा है कि जो यहाँ पर जो अभी शिकारा चल रहे हैं वो क्या बोल रहे थे कि यहाँ से आपने 100 रुपये पर पर्सन यहाँ से लेकर के जाएंगे उस किनारे पर, उस किनारे पर जा कर के यू कैन बार्गेन, या उस जो भी बात करनी है बोट हाउस के लिए वो कर सकते हैं। तो मतलब अभी हम 4 लोग हैं, तो 400 रुपये ये प्लस जो भी हमारा वहाँ पे बनता है, और अगर नहीं बनता है तो पता नहीं, शायद वो 400 रुपये में वापस लेके आएगा या दोबारा से 400 मांगेगा, दैट वी विल हैव टू सी। आई थिंक दिस इज़ अ डबल डेकर बस, जिसका अपर डेक ओपन है, और ये मैं पहली बार कहीं पर देख रहा हूँ इंडिया में। तो श्रीनगर में अगर आप हैं तो इसके मज़े लिए जा सकते हैं, ये एकदम नई चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है। यहाँ पे डल लेक में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, एक फ्लोटिंग एम्बुलेंस है, शायद एक हॉस्पिटल भी है छोटा सा फ्लोटिंग, और इनफैक्ट यहाँ पर एक पूरा मार्केट है विच इज़ फ्लोटिंग, आई मीन जिसको मीना बाज़ार बोल रहे हैं यहाँ पर। तो शिकारा राइड करना बनता है यहाँ पर, टोटल उसने 9-10-12 पॉइंट हमको बोले हैं दिखाने के लिए, और वो हम कल सुबह करने वाले हैं। बट बिकॉज अगर आप यहाँ पर घूम रहे हैं तो आपको लोग रोकेंगे शिकारा राइड के लिए, बोट हाउस के लिए, तो वो आइडिया हमको थोड़ा सा मिल चुका है। बाकी देखते हैं, जो भी बेस्ट डील हमको मिलता है उसके बेसिस पे वी विल मूव फॉरवर्ड। ये जो वो दिख रही है सुराही टाइप की, वो उसमें देते हैं कहवा। भैया लाल चौक के लिए किधर जाना है? लाल चौक किधर है? इधर जाना है ना? हाँ। अच्छा, बिफोर आई केम टू श्रीनगर, मेरा ये इम्प्रेशन था, या मेरा, मैंने जो लोग विजिट कर चुके थे उन लोगों से सुना था कि श्रीनगर इज़ नॉट दैट क्लीन ऑफ ए सिटी। बट अभी तक मैंने जितना घूमा हूँ मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा लगा है, सिर्फ डल लेक को छोड़ करके, क्योंकि डल लेक के पास गया था जब मैं, तो मुझे पानी बहुत ज़्यादा इतना कुछ क्लीन नहीं लगा। अब आई डोंट नो कि वो मतलब कुछ सीवेज वीवेज तो नहीं पास हो रहा उसके अंदर, दैट रिमेंस टू बी सीन, बट सिटी मुझे अभी तक तो जितना घूमे हैं काफ़ी क्लीन लगा है। ओके, सो इट लुक्स लाइक दैट वी आर प्रिटी क्लोज टू आर डेस्टिनेशन। ये जो लेफ्ट में चल रहा है ये लाल चौक मार्केट ही है, तो किसी भी मोमेंट पे हमें क्लॉक टावर दिखने वाला है। ओके, सो ये रहा लाल चौक क्लॉक टावर, ये रहा। तो चलो जल्दी से गाड़ी को कहीं पार्किंग में लगाते हैं। यहाँ पर तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ तो लगाना इट्स नॉट सेफ, तो कोई पार्किंग स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। ओके, सो फाइनली आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लाल चौक क्लॉक टावर, द फेमस लाल चौक। अभी जस्ट हमने यहाँ पर गाड़ी लगाई है, 100 रुपये पार्किंग चार्ज देना पड़ा यहाँ पर, और मार्केट बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है। मैं दिखाता हूँ पूरा दोनों तरफ से, पूरा मार्केट दिखाता हूँ ये यहाँ से, और रोड के उस तरफ में भी मार्केट है।
दिस इज़ द क्लॉक टावर स्टैंडिंग और यहाँ पे पूरा नेशनल फ्लैग बनाया हुआ है लाइट्स के थ्रू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली इस वक्त तो। रोड के उस तरफ भी मार्केट है, हम लोग एक्चुअली गाड़ी वहीं से ड्राइव करके लेके आए हुए हैं। ये भी वही लोकल सिंगाड़ा महाराष्ट्र से। जय हिंद। ओके सो जब तक आई एम टेकिंग ए वॉक अराउंड दिस प्लेस, लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ द लाल चौक। तो शुरू करते हैं, लाल चौक नाम कहाँ से पड़ा। तो लाल चौक जो नाम है वो एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड नेम है थोड़ा सा। तो वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट में वो लाल सलाम बिकेम लाल चौक हेयर। और दूसरा, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये जगह हमेशा मेन स्ट्रीम में रहा है। उसका रीज़न ये रहा कि इंडिपेंडेंस के टाइम से ही बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स इस प्लेस पर हुए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेज़ हों, शेख अब्दुल्ला के स्पीचेज़ हों, और या 90s के टाइम पर जब टेररिज्म बहुत पीक पर था तो उस समय की तिरंगा यात्रा हो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, मुरली मनोहर जोशी की। तो वो सब चीज़ें और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रही है। और यहाँ पर पहले ये क्लॉक टावर नहीं हुआ करता था। ये क्लॉक टावर 1980 के आसपास में बनाया गया है, और वो भी बनाया किसने है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने। अभी हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा डील मिला है बोट हाउस के लिए, जो कि आज रात का हमारा स्टे होने वाला है। तो मिलते हैं बोट हाउस पर। तो ये है हमारा कमरा बोट हाउस में, ये पूरा वुडन का बना हुआ है और ये एकदम बजट बोट हाउस है। मैं बाहर से खिड़की ओपन करके दिखाता हूँ। ये नीचे में पानी है पूरा, और वो रहा ब्रिज, बाकी मैं सुबह में दिखाऊंगा ठीक से। अभी यहाँ पे ठीक से नजर नहीं आ रहा है बिकॉज अभी वी आर गोइंग आउट फॉर ए वॉक एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इफ वी कैन गेट सम वेजिटेरियन मोमोज और दी गोलगप्पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन श्रीनगर। तो चलो निकलते हैं बाहर, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें वेजिटेरियन मोमोज मिलते हैं रात के इस टाइम पर या नहीं। तो लेट्स चेक दैट आउट। गोलगप्पे नहीं है वो, सही बोला मैंने, रुमाली रोटी टाइप है कुछ, वो कटोरी में बाल्टी उसमें बास्केट में अंडे लग रहे हैं पता नहीं यार। गोलगप्पे नहीं मिल रहे सच में यार, कुछ भुना हुआ दे रहे हैं। उसके पास चला गया, नहीं वो अंडे हैं भाई, अपने लिए गोलगप्पे रिदम दे देते गोलगप्पे। पीछे श्रीनगर लाला देव हॉस्पिटल है, जूस पी लो, जूस थोड़ी दे रहे हैं इधर, संतरे दे रहे हैं। आज मंडे की ट्यूसडे, आज ट्यूसडे नाइट है, वेडनेसडे नाइट, थर्सडे नाइट, थर्सडे नाइट, दो दिन और अंधेरा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर एक घंटे से ज़्यादा हम लोग घूम रहे हैं और ना ही यहाँ पर मुझे वेज मोमोज मिले और ना ही गोलगप्पे मिले, जो कि खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उदास मन से नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर बोट हाउस। तो मिलते हैं बोट हाउस पर। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, नाउ लेट्स टेक द टूर ऑफ द इंटायर बोट हाउस। ये था हमारा कल का आशियाना। मैं अभी खिड़की ओपन करके दिखाता हूँ, रात में ठीक से नजर नहीं आया था। लेट मी ओपन दिस, दो खिड़कियाँ हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी ये रहा पानी नीचे, और वो रहा वो ब्रिज जो रात को पूरा लाइट से इल्यूमिनेटेड था। एक्चुअली ये मेन जो सर्कुलर डल लेक जो हम जानते हैं वो नहीं है, ये एक्सटेंशन है डल लेक का। वहाँ आगे में डल लेक है जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं शिकारा राइड के लिए। लेट मी गिव यू द टूर ऑफ द इंटायर बोट हाउस। स्टार्ट करते हैं बाथरूम से, रूम देख ही चुके हो, ये बाथरूम है। यहाँ पर बाथ टब लगा हुआ है, पानी वानी अच्छा आ रहा था यहाँ पर। ये टॉयलेट है यहाँ पे, वेस्टर्न टॉयलेट, इसका ड्रेनेज लेक में नहीं हो रहा है, पाइप्स लगे हुए हैं। ये बाहर का कॉरिडोर है, ये एंट्री है, ये छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है वुड का। तो रोड से हम लोग यहाँ पर इस ब्रिज के, इस छोटे से ब्रिज के थ्रू आए थे। लेट मी शो यू द सेकंड रूम, दिस इज द सेकंड रूम। अभी ये दोस्त लोग सब यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं यहाँ का बाथरूम भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर डोमेस्टिक टॉयलेट है, दूसरे वाले में वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ था। यहाँ पर अपना टब भी नहीं है, दिस इज़ द बेथिंग एरिया। तो इस तरह का कुछ बाथरूम है। तो दिस इज़ नॉट अ लग्जूरियस बोट हाउस, बहुत अच्छे अच्छे बोट हाउस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दिस इज़ अ बजट बोट हाउस, तो अगर आपका बजट लिमिटेड है हमारी तरह तो दिस कुड बी एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि बोट हाउस में रुकना है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई वुड सजेस्ट, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो। अदरवाइज तो यहाँ पे देर इज़ नो लिमिट, आप बहुत लग्जीरियस बोट हाउस भी हैं यहाँ पर अवेलेबल।
तो अब हम लीव कर रहे हैं ये ग्रुप हाउस ऑफ बोट्स। अंकल तो ऊपर ही खड़े हैं ना। चल मैं फंस गया। देखो ये ऊपर से पानी गिर रहा है। इस बोट में रुके थे हम रात को। अब हम जा रहे हैं कार की तरफ। अंकल जी की गाड़ी। यहाँ पे रुके हम ऊपर। आपका नाम क्या अंकल? अशरफ। अशरफ, मोहम्मद अशरफ। ये अंकल हैं अशरफ जिनके हाउस बोट में हम रुके हुए थे। काफी अच्छा इनका मेरे को ट्रीटमेंट लगा यहाँ पर। हमारा रिकमेंड करना है जब आए। हाँ, देखो बोट के ठीक बाहर में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। वैसे तो श्रीनगर फेमस है गार्डन्स के लिए। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हैं। सामान सब आ गया ना वहाँ से? हाँ सब आ गया। रहेगा फिर पार्सल करके भेजेगा। ठीक है, देखना जरूरी है। मैं अभी देख के आ गया, अभी तो कुछ नहीं है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक शिकारा राइड इन द डल लेक। और अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जय माता दी। जय भोलेनाथ। और ये मैं भी तो ब्लैक हूँ, तो दोनों का डिफरेंस।